चलिए थोड़ा और भी लोगों से शेयर कर देते हैं लिंक को। ठीक है, तो हमारे पास जो पेपर है अभी वो है प्रीवियस पेपर UK SSSC का, जो ड्राफ्ट्समैन का आपका एग्ज़ाम हुआ था, सिर्फ टेक्निकल का। तो आइए हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें। तो 50 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे अभी, 50 बाद में। तो सबसे पहला सवाल, इसमें जिसने मुझे पेपर भेजा है तो आंसर इसमें कुछ पहले से ही टिक हो रखे हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, कैविटी वॉल इज़ जनरली प्रोवाइडेड फॉर। तो कैविटी वॉल जो होती है, ठीक है, अगर दो दीवारों के बीच में हल्का सा उसमें स्पेस दिया जाता है या कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल डाला जाता है जिससे दो दीवारों के बीच में गैप बन जाता है, तो वो जो गैप बनता है उसके कारण जो आपका स्ट्रक्चर है, एक तो उसमें सीलन नहीं आ पाती, ठीक है, सीलन इस तरफ से उधर नहीं जा पाती, तो डैम्पनेस प्रिवेंट हो जाती है, हीट भी उससे इंसुलेट हो जाती है क्योंकि बीच में गैप होता है दीवारों के, तो हीट इंसुलेशन का भी कार्य करता है और साउंड इंसुलेशन का भी कार्य करता है। तो कैविटी वॉल इज़ जनरली प्रोवाइडेड फॉर, और आंसर है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, खोखली दीवारें संरचना आमतौर पर अपनाई जाती हैं, तो इन सभी के लिए, सीलन की रोकथाम के लिए, ऊष्मा रोधी के लिए, ध्वनि रोधी के लिए और सभी के लिए। अगला जो सवाल है वो आर्ट से है, ये ड्राफ्टमैन का पेपर चल रहा है जो कि उत्तराखंड में हुआ था मेरे ख्याल से 2 साल पहले, तो UK SSSC ने कंडक्ट कराया था, जिनका अभी जल निगम जो अब कंडक्ट कराएंगे। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, अंडर द सरफेस ऑफ एन आर्च इज कॉल्ड, ठीक है, जो आर्च होती है आपका उसका जो बॉटम वाला सरफेस होता है उसे क्या कहते हैं। तो देखिए, बॉटम वाले सरफेस को इंट्राडोस कहते हैं और बाहरी वाले सरफेस को एक्स्ट्राडोस कहते हैं, ठीक है, और बहुत सारी जो बीम की भी जो बॉटम की जो सरफेस होती है उसको सॉफिट भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें दोनों आंसर सही हैं, सॉफिट भी हम किसी स्ट्रक्चर के बॉटम को कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपको दोनों में से कोई एक चुनना हो तो हमारा जो एक्यूरेट आंसर होगा वो इंट्राडोज माना जाएगा। विनोद, अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, उसमें अभी चेन सर्वे में हमारे और भी टॉपिक हैं, ठीक है, तो उसे हम थोड़ा कल करेंगे। आज जरूर साउंड की प्रॉब्लम थी, जरा मैं उसमें वर्क करूँगा कि साउंड की प्रॉब्लम हो क्यों रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कंक्रीट का कितना होता है। तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर जो कंक्रीट का होता है वो आपका होता है 1.5, और अगर स्टील का पूछा होता तो वो होता 1.15 आंशिक सुरक्षा गुणांक। ठीक है, अगला सवाल है, तो अगला सवाल हल्का सा थोड़ा इसमें प्रॉब्लम ये है कि आयोग ने जो इसका आंसर दे रखा है वो 60 दे रखा है, ठीक है, RCC कॉलम इज़ रिगार्डेड एज लॉन्ग कॉलम इफ़ द रेशियो ऑफ इट्स अनसपोर्टेड लेंथ बिटवीन इट्स लीस्ट लेटरल डायमेंशन इज़ मोर देन, ठीक है। तो आपको याद होगा RCC में आपने पढ़ा था कि अगर उसका जो लीस्ट लेटरल डायमेंशन, मतलब आप रेशियो निकालो, ठीक है, आपका लेंथ अपॉन लीस्ट लेटरल डायमेंशन का, ठीक है, बी और डी का,
जिसे आप स्लेंडरनेस रेशियो भी कहते थे। तो अगर वो 12 से कम होगा तो शॉर्ट कॉलम होगा, 12 से ज़्यादा होगा तो लॉन्ग कॉलम होगा, ठीक है। और वो मैक्सिमम 60 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मगर ये क्वेश्चन में शायद थोड़ा ऑप्शन की दिक्कत हो सकती है, तो इन्होंने जो आंसर दे रखा था वो 60 दे रखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नियरेस्ट एज ऑफ अ सेंटर मेंबर रिबिट, तो जो एज डिस्टेंस है रिबिट के लिए वो किससे कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वो 1.5 टाइम्स ऑफ डाया से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगला सवाल आपका, इफ़ द विड्थ ऑफ कैनाल इज़ 1 मीटर, ठीक है, अगर कैनाल की विड्थ 1 मीटर है तो आपका जो फ्री बोर्ड है वो कितना प्रोवाइड कराना चाहिए। तो 30 सेंटीमीटर यानी कि 0.3 मीटर का फ्री बोर्ड देना चाहिए। फ्री बोर्ड किसे कहते हैं, तो कोई भी कैनाल होती है या कोई भी डैम होता है उसकी थोड़ी एक्स्ट्रा हाइट दी जाती है, ठीक है, सेफ्टी पर्पस के लिए। तो मान लेते हैं पानी का सप्लाई का लेवल मैक्सिमम यहाँ तक जा सकता है, एक्स्ट्रा हाइट को फ्री बोर्ड बोलते हैं। तो कैनाल में भी फ्री बोर्ड दिया जाता है, तो अगर कैनाल की चौड़ाई 1 मीटर है तो उसमें 30 सेंटीमीटर का फ्री बोर्ड दिया जाता है। अगला है आपका, द एंड सपोर्ट ऑफ ब्रिज सुपर स्ट्रक्चर इज़, देखिए ब्रिज बनाते टाइम किनारों पर यानी कि दो किनारों पे भारी भारी कंक्रीट के मैसिव स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, ठीक है, और इसके ऊपर ब्रिज को टिकाया जाता है। तो ये जो भारी भारी स्ट्रक्चर होते हैं इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं एबटमेंट, जो कंक्रीट के बहुत भारी स्ट्रक्चर हैं, मैसिव स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, मास कंक्रीटिंग से बनाए जाते हैं। तो हमें यही पूछा हुआ है कि ब्रिज के जो एंड सपोर्ट होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें एबटमेंट बोलते हैं। हाँ, फिर है आपका वर्नियर थियोडोलाइट का जो लीस्ट काउंट है वो पूछा हुआ है। तो वर्नियर थियोडोलाइट का लीस्ट काउंट और जो आयोग ने क्वेश्चन दिया था, ठीक है, उसके उन्होंने जो आंसर दिया था वो था आपका 10 सेकंड से 20 सेकंड। वर्नियर थियोडोलाइट में आपने 20 सेकंड लीस्ट काउंट देखा भी होगा, ठीक है। लीस्ट काउंट का मतलब होता है कि हम कितना मिनिमम एंगल नाप सकते हैं थियोडोलाइट से। तो वो आपका इसका जो आंसर है वो 10 सेकंड से 20 सेकंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, द लास्ट स्टाफ रीडिंग इन एनी सेटअप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड इंडिकेट शिफ्टिंग द इंस्ट्रूमेंट इज, उपकरण स्थापन की अंतिम पाठ्यांक जहाँ पर उपकरण को शिफ्ट किया जाता है, ठीक है। तो देखिए कोई भी जो लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी जो पहली रीडिंग हम लेते हैं वो ऐसे पॉइंट पे लेते हैं जिसकी जानकारी हमें पहले से प्राप्त होती है, और पहली रीडिंग को हम कहते हैं बैक साइट, और इंस्ट्रूमेंट उठाने से पहले जो हम आखिरी रीडिंग लेते हैं उसे हम कहते हैं फोर साइट, ठीक है। तो ये यही पूछ रहा है कि जो लास्ट स्टाफ रीडिंग होती है उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं फोर साइट। अगला क्वेश्चन है, इन द होल सर्कल बेयरिंग सिस्टम नॉर्थ 44 डिग्री 30 मिनट वेस्ट विल बी एक्सप्रेस्ड एज, तो अगर मैं नॉर्थ और वेस्ट में बना दूं 44 डिग्री 30 मिनट, तो वो नॉर्थ से क्लॉकवाइज कितना काउंट होगा। तो होल सर्कल बेयरिंग किसे कहते हैं, जब हम नॉर्थ से क्लॉकवाइज जाते हैं उस लाइन तक जिस लाइन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, और क्वाड्रेंटल बेयरिंग कहते हैं हम जब नॉर्थ से हम किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं या साउथ से किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं लाइन तक जो भी पास हो। तो अभी हमें दे रखा है कि जो लाइन है वो नॉर्थ वेस्ट के बीच में बन रही है और नॉर्थ से बना रही है 44 डिग्री 30 मिनट। अगर हम नॉर्थ से क्लॉकवाइज चलें तो वो कितना एंगल बनाएगी, तो इसके लिए हमें 360 में से 44 डिग्री को माइनस करना पड़ेगा, 44 डिग्री 30 मिनट को। तो 360 डिग्री, तो देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ 359 डिग्री और 60 मिनट, और इससे मुझे माइनस करना है 44 डिग्री 30 मिनट। मैंने ऐसा क्यों लिखा 360 डिग्री को, क्योंकि मुझे 30 मिनट को भी माइनस करना था, तो मैंने 1 डिग्री यहाँ से ले लिया जो यहाँ 60 मिनट बन गया। तो 60 मिनट में से 30 मिनट गए तो आंसर आया 30 मिनट, 9 में से 4 गए तो 5, 5 में से 4 गए तो 1, और ये 3, तो 315 डिग्री 30 मिनट आपका आंसर होगा। अगला सवाल है, जो आपका एक्सटेंशन होता है ऑटोकैड की ड्राइंग का वो किस में होता है, तो वो आपका DWG में होता है।
और A1 का साइज़ पूछा हुआ है, ठीक है। A1 जो आपकी ड्राइंग शीट होती है उसका साइज़ क्या होता है, तो A1 साइज़ है आपका 594 बाई 841 mm। इसमें आप और भी साइज़ देख सकते हो, ठीक है। तो देखिए, जो आपको याद होगा, तो इसमें बस हल्का सा एक रिलेशन होता है सारे साइज़ेस में, वो सब एक दूसरे के आधे होने लग जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा आप मतलब उसको देख सकते हो कि जैसे A1 हो गया, तो A1 साइज़ होता है लगभग 594 mm चौड़ा और 841 mm लंबा, ठीक है। अगर आप इसका आधा कर दोगे तो वो A2 बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसका आधा कर देता हूँ तो वो A2 के मतलब ये दो A2 बन जाएंगे। अगर मैं इसका भी आधा कर लेता हूँ तो A3 बन जाएगा। अगर मैं आधे का भी आधा करता हूँ तो आपका A4 बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको कोई एक साइज़ याद करना है और आप उसका दुगना या आधा करते करते कोई भी डायमेंशन ले सकते हो। तो इसका जो आंसर है, A1 का जो साइज़ होता है वो होता है 594 बाई 841 mm। अगला है, जिप्सम हम सीमेंट में क्यों डालते हैं, ठीक है। जिप्सम इज़ एडेड टू सीमेंट इन स्मॉल क्वांटिटी। तो हम क्यों डालते हैं, ताकि हम जो इनिशियल सेटिंग टाइम है उसको बढ़ा सकें। जिप्सम एक रिटार्डर का काम करता है और सेटिंग टाइम को बढ़ाता है। अगला सवाल, टाइप्स ऑफ सस्पेंशन ब्रिज फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ये दोनों आपके सस्पेंशन ब्रिज के ही प्रकार हैं, स्लिंग ब्रिज और रैम ब्रिज, ये दोनों आपके सस्पेंशन ब्रिज के ही प्रकार हैं। क्वेश्चन ब्रिज से आया हुआ है, जो कि नॉर्मली हमारे सिलेबस में दिया नहीं रहता। अगला सवाल है, इन हाईवे कंस्ट्रक्शन और सुपर एलिवेटेड कर्व द रोलिंग शैल बी प्रोसीड फ्रॉम, ठीक है। तो जो रोलिंग होती है वो कैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो वो आपकी निचले कोने से, लोअर एज से ऊपरी कोने की तरफ होनी चाहिए। फिर आपका 16वां क्वेश्चन है, रिलेशन पूछा है यंग्स मॉडुलस में और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में। तो जो आपकी यंग्स मॉडुलस होता है, ठीक है, यहाँ पे एन लिखा गया है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को। हमारी जो आदत है वो जी या सी लिखने की है, 2g 1+μ, ठीक है। या दूसरा जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा 3k 1 -2μ। तो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी वाला फॉर्मूला ये है, ठीक है। तो आपका आंसर होगा सी। तो स्केल प्लेट ऑफ थियोडोलाइट, ठीक है। देखिए, जो मेन स्केल जो छपा रहता है थियोडोलाइट में, वो कौन सी प्लेट में होता है। तो दो प्लेट होती हैं, एक अपर प्लेट और एक लोअर प्लेट। तो किस प्लेट में आपका थियोडोलाइट छपा होता है, स्केल छपा होता है, तो लोअर प्लेट जो होती है उसमें मेन स्केल आपका लिखा होता है, ठीक है। और जो आप मार्केट में अगर थियोडोलाइट लेने जाते भी हो, तो आपको लोअर प्लेट का ही डाया बताना होता है कि मुझे 8 सेंटीमीटर वाला थियोडोलाइट दे दीजिए, इसका मतलब वो लोअर प्लेट का डाया है, ठीक है। तो लोअर प्लेट थोड़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ बोल्ट। देखिए, फिश बोल्ट तो होता है, जो आपके रेलवे में आपने पढ़ा होगा कि दो रेल को बांधने के काम आता है, ये सारे रेलवे का ही हिस्सा है, ठीक है, रेलवे के ही सब्जेक्ट में आता है। हुक बोल्ट भी आपका होता है, फैंग बोल्ट भी होता है, स्क्रू बोल्ट नहीं होता, ठीक है। स्क्रू आपका कुछ इस तरीके का होता है कि उसकी जो मतलब पॉइंट यहाँ पे बारीक हो जाएगा और धीरे धीरे वो ऊपर उसकी जो थिकनेस है वो बढ़ती रहती है, ठीक है, और उसे घुमा के हम कहीं पर इंसर्ट करते हैं। तो स्क्रू जैसा, अब बोल्ट तो क्या होता है, ठीक है, तो बोल्ट में तो आपका नट लगता है, तो स्क्रू बोल्ट यहाँ पे गलत है, बाकी सारा आपके सारे बोल्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्डनरी पोर्टलैंड सीमेंट आफ्टर 3 डेज शुड नॉट बी लेस देन। तो कितनी होनी चाहिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कोई कमेंट करके बताए अगर। ठीक है, 3 दिन के बाद कितनी होनी चाहिए। तो देखिए, जो सीमेंट होता है वो लगभग 40% मतलब 16% तो एक ही दिन में गेन कर लेता है। अभी तो ये कंक्रीट का पूछ रहा है,
अच्छा सॉरी, ये सीमेंट का पूछ रहा है कि आपकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, तो अगर आपने कंक्रीट का पढ़ा हो तो कंक्रीट है अपनी एक दिन में 16% स्ट्रेंथ ले लेता है, ठीक है, 3 दिन में 40%, 7 दिन में 65%, और ऐसे वो आगे चल के अपनी 28 दिन में अपनी पूरी स्ट्रेंथ ले लेता है। मगर सीमेंट की बात करते हैं, ठीक है, तो जो सीमेंट की स्ट्रेंथ होती है 3 दिन बाद, वो कितनी होती है? जो आपका आंसर है वो है 150 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, पर फिर भी इसमें हम इन वैल्यूज़ को देखेंगे, ये आयोग का दिया हुआ आंसर है। तो कमेंट अभी तक किसी का आया नहीं है। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज और आर, तो कौन कौन से फैक्टर वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट को अफेक्ट करते हैं? तो वाटर कंटेंट, शेप ऑफ एग्रीगेट, साइज ऑफ एग्रीगेट, सारे के सारे फैक्टर हैं वो वर्केबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट सीमेंट के कौन कौन से होते हैं? तो जो लेटर स्ट्रेंथ और अर्ली स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, वो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट सीमेंट के, जैसे कि C3S और C2S। टर्पेंटाइन ऑयल हम पेंट में यूज़ करते हैं, तो एज अ थिनर यूज़ करते हैं। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लीस्ट बेयरिंग कैपेसिटी, किसकी बेयरिंग कैपेसिटी सबसे कम होगी? तो जो आपका लूज़ ग्रेवल होता है, ढीला डाला, जो खुली बजरी होती है, उसकी जो धारक क्षमता होगी वो सबसे कम होगी। कैल्शियम क्लोराइड एडेड इन कंक्रीट एक्ट एज, तो कैल्शियम क्लोराइड, देखिए ऊपर हमने जिप्सम पढ़ा था, तो जिप्सम रिटार्डर का काम करता है, और जो एक्सलेटर का काम करता है वो होता है कैल्शियम क्लोराइड। ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 मीन्स दैट द कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 15 cm³ आफ्टर 28 दिन बाद। तो M20 में 20 का मतलब क्या होता है कि 20 दिन बाद जो कंक्रीट होगा उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी? 20 न्यूटन पर mm² होगी। ये पूरा जो टेस्ट होगा, ठीक है, इसको मैं लिंक में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। रेनॉल्ड नंबर रेशो है, तो रेनॉल्ड नंबर रेशो है किसका? रेनॉल्ड नंबर रेशो है आपका इनर्शियल फोर्स और विस्कस फोर्स का। मोमेंटम की यूनिट पूछ रहा है, ठीक है, कि मोमेंटम की यूनिट क्या होती है? तो जो मोमेंटम की यूनिट होती है वो, अगर आप
पहला टेस्ट है साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट, कौन सा एफर्ट यूज होता है? डी चेक टीयर। देखिए यार आप हाईवे में पढ़ते होंगे, ठीक है, यूनिवर्सिटी यूटीएम आपका यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन हो गया, और आपका वीकेट एफर्ट टेस्ट आप कंसिस्टेंसी टेस्ट में यानी इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट या फाइनल सेटिंग टाइम में पढ़ते हैं, और डी चेक टीयर आप पढ़ते हो साउंडनेस टेस्ट। द वैली वेयर कंट्रोल लाइन मीट एट राइट एंगल, तो जो जहाँ पर राइट एंगल पे तो वैली लाइन और रिज लाइन दोनों में जो कंट्रोल लाइन होती है वो 90 डिग्री पर मिलती है, तो डी आंसर। जो लीड और लिफ्ट है, ठीक है, ये आपने अर्थवर्क में हम इसे पढ़ते हैं, लीड लगभग 30 मीटर की ली जाती है और लिफ्ट जो ली जाती है वो 1.5 मीटर का लिया जाता है, तो लीड एंड लिफ्ट आपका अर्थवर्क का हिस्सा है। रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ सर्कुलर सेक्शन, ठीक है, सर्कुलर सेक्शन है तो रेडियस ऑफ जायरेशन होगा, तो अगर आपने रेडियस ऑफ जायरेशन का फॉर्मूला पढ़ा हो या किसी भी जैसे आपने अगर देखा हो, रेडियस ऑफ जायरेशन होता है अंडर रूट आई अपॉन ए, तो उसको आप सॉल्व कीजिए, आई का मतलब होता है पाई बाई की फोर ई की पावर फोर, और एरिया का मतलब होता है अगर आप डी के रूप में निकाल रहे हो पाई बाई मेथड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाईएस्ट सेंट्रल वेज शेप ब्लॉक ऑफ एन आर्च, तो जो हाईएस्ट वेज शेप मतलब सबसे जो ऊपर आर्च में जो पत्थर होता है वो थोड़ा इस शेप का होता है, वेज शेप का, ठीक है, मतलब ये ट्रेपेजियम शेप जैसे बन रही है, इसको क्या बोलते हैं? इसको की स्टोन बोलते हैं, बाकी सारे पत्थर ऐसे इसके किनारे लगे रहते हैं, ठीक है, और ये फंसा हुआ रहता है उन सबके बीच में, तो ये आपका आर्च में आप पढ़ोगे ये वाला टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 47 है अ फुल ब्रिक और स्टोन विच इज लेड विद इट्स लेंथ परपेंडिकुलर टू द फेस ऑफ वॉल इज कॉल्ड, ठीक है, तो एक ईंट या पत्थर जो लंबाई में दीवार के सामने और लंबवत होता है होती है, ठीक है, तो दीवार के सामने है और परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो क्या है? हेडर है, आपको हेडर फेस दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 48 है डैम प्रॉब्लम इज मोस्टली प्रोड्यूस्ड इन, तो डैम प्रॉब्लम कहाँ पर आपको ज़्यादातर देखने को मिलती है? तो ब्रिक मेसनरी स्ट्रक्चर में। क्वेश्चन नंबर 49 द प्लेस वेयर टू स्लोपिंग रूफ मीट टू द टॉप, जो आपके ढालदार छत होती है तो जिस पॉइंट पे ये दोनों मिलती है ऊपर उसे क्या कहते हैं? उसे हम रिज कहते हैं। और लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है, इन कोपिंग स्लोप प्रोवाइडेड फॉर डी पी सी आर नोन एज,
ठीक है, तो कोपिंग स्लोप्स प्रोवाइडेड फॉर डीपीसी आर नोन एज, तो लगभग सीलन से बचाने के लिए जो ढाल दिया जाता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम वेदरिंग कहते हैं। तो बाकी क्वेश्चन हम